हाय टीम। तो अभी हम लोग लखनऊ किचन का बीडी कर रहे थे, तो अभी हम लोग खड़े हैं चिनट से 2 किलोमीटर आगे देवा रोड पे, जो दयाल फार्म्स के अंदर है। दयाल फार्म से एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ये अपना उस एरिया का एंट्रेंस गेट है। एक्चुअली अंदर जो हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो एक फार्म हाउस है, उस टाइप का बनाया गया है। तो वो प्रॉपर्टी खाली तो हम देखेंगे। तो जो दोनों गेट देख रहे हैं ये एंट्रेंस के लिए है, देख सकते हैं। अगर यहाँ से लेफ्ट साइड में हम देखेंगे तो ये अंदर कहीं नहीं जा रहा है, ये मतलब थोड़े अपार्टमेंट्स हैं, मतलब अपार्टमेंट नहीं घर टाइप है, वहाँ पे जा रहा है। हमारा जो भी एंट्रेंस रहेगा यहाँ से रहेगा, और यहाँ से हम सिटी को भी कवर करेंगे और फैजाबाद रोड से भी जा सकते हैं। तो हमारी टोटल इसकी हाइट आप देख सकते हैं 20 फीट है चौड़ाई। तो अभी हम लोग एंट्रेंस अंदर की तरफ चलेंगे। तो ये प्रॉपर्टी के सामने देख सकते हैं ये फार्म हाउस है, मतलब मैंने ऑनर से पूछा है कि आप किस पर्पज़ से बनाए, तो उन्होंने फार्म हाउस के पर्पज़ से बनाया है, ताकि कोई आके इधर तो ये हमारा एंट्रेंस रहेगा। तो हमें जो प्रॉपर्टी मिल रही है वो फर्स्ट फ्लोर पे मिल रही है। ग्राउंड फ्लोर पे प्रिंटिंग प्रेस का काम चलता है, इस वजह से ग्राउंड फ्लोर पे हमें नहीं मिला है, तो फर्स्ट फ्लोर पे मिल रहा है। तो फर्स्ट फ्लोर पे ये सारे एरिया मिल रहे हैं, ये देख सकते हैं, और ये फ्रंट का एरिया है। ये जो सामने घर देख रहे हैं ये दयाल फार्म हाउस है यहाँ पे। तो अभी हम लोग एंट्रेंस की तरफ चलते हैं। ये हमारा मेन एंट्रेंस है, इसकी चौड़ाई है 6 फीट, 6 फीट 11 इंच इसकी लंबाई है। यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। तो एंट्रेंस के सामने में कम से कम इसका 500-600 स्क्वायर फीट, अभी तो ये ताला लगा है, खुला नहीं है, लेकिन अगर एक अंदाज से बात करेंगे तो यहाँ पे 500-600 स्क्वायर फीट खाली है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर पे है, तो इसका चाबी नहीं मिल पाया, इस वजह से इसको देख नहीं पाए हैं। इसकी हाइट है 7 फीट 3 इंच। यहाँ पे हम इसके अंदर जाएंगे, तो अंदर जैसे एंट्री करेंगे तो ये अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लिफ्ट के लिए बना हुआ है, यहाँ लिफ्ट की सुविधाएं अवेलेबल हो जाएंगी अगर हम लेते हैं तो प्रॉपर्टी। ये ऑफिस है और यहाँ प्रिंटिंग प्रेस का काम चल रहा है। तो ये सीढ़ी आप देख सकते हैं, तो ये 4 फुट 4 इंच का चौड़ी सीढ़ी है। तो अभी हम चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे। सीढ़ी से जैसे ही ऊपर आते हैं सामने हमें एक रूम दिखाई देता है, जो कि अभी लॉक किया गया है, लेकिन इसका 200-300 स्क्वायर फीट एरिया है। ये पहला रूम है, ये सामने दूसरा रूम है, और ये आपको जो दिखाई रहा है वो लेटरिन बाथरूम है, मतलब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये लेटरिन बाथरूम के लिए बना है। फिर हम आते हैं अंदर की तरफ।
अंतर की तरफ जैसे आएंगे तो ये लिफ्ट का सुविधाएं हैं, ये देख सकते हैं नीचे। फिर ये भी अपना एक रूम है जो कि लॉक किया गया है, तो चाबी इस मंगवा के हम देखेंगे इसको। फिर हम यहाँ आते हैं एंट्रेंस, तो यहाँ पहले ऑयल की कंपनी थी जो कि यहाँ ऑयल के कैन बड़े बड़े स्टोर किए जा रहे थे। तो जैसे हम एंटर करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये भी एक रूम है जो कि लॉक है, तो इसको भी अपन यूज़ कर सकते हैं। ये ग्राउंड से लेके इसका ऊपर बीम तक हाइट है 11 फुट, और ग्राउंड से लेके सीलन तक इसका हाइट है 12 फिट। तो ये हमारा टोटल एरिया है, अलग अलग होता होगा। हाँ, इसका है 1400 नहीं, इसका 1011। हाँ, ये टोटल आपने जो एरिया देखा है ये 1011 स्क्वायर फीट है एरिया। फिर हम आते हैं दूसरे रूम की तरफ, तो ये आप जो एरिया देख रहे हैं ये टोटल एरिया है 1400 स्क्वायर फीट एरिया है, ये देख सकते हैं। इसकी हाइट 12 फीट है ग्राउंड से लेके सीलन तक। फिर हम आते हैं तीसरे हॉल की तरफ, तो ये जो हम एरिया देखने वाले हैं इसका टोटल 513 स्क्वायर फीट एरिया है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके स्टेट तक एंड तक, तो ये टोटल 513 स्क्वायर फीट एरिया है। हम यहाँ से निकल के उस रूम में भी मतलब जा सकते हैं, देखिए निकल के हम यहाँ पे आ गए। तो ये जो ये सामने आप जो देख रहे हैं इसकी हाइट है, ये यहाँ से हम लोग सामान अंदर की तरफ ले सकते हैं क्रेन द्वारा, तो इसकी हाइट है 7 फुट 9 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है 7 फुट 11 इंच है। और यहाँ से हम लोग सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो फार्म हाउस बना हुआ है, तो इनसे हमने जब बात किया तो उन्होंने बोला है कि हमने एक फार्म हाउस टाइप घर बनवाया था। ये नीचे आप देख सकते हैं, तो अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे पानी का रसाव है, मतलब अंदर जो अपनी प्रॉपर्टी है उसमें पानी रसाव होती है। तो ओनर ने बोला है कि जब भी आप प्रॉपर्टी लेंगे तो वो पूरा मेंटेन करवा के देंगे। तो हमें एग्जॉस्ट दो साइड मिल रहा है, बैक साइड और प्रॉपर्टी के राइट साइड। तो बैक साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रॉपर्टी का बैक साइड है। ये प्रॉपर्टी का बैक साइड है, ये इतना इंडस्ट्रियल एरिया में आता है। फिर हम आते हैं राइट साइड, तो राइट साइड इस साइड में भी हम एग्जॉस्ट निकाल सकते हैं।
ये प्रॉपर्टी का राइट साइड है। तो ये भी 1200-1300 स्क्वायर फीट है, ये देखिए यहाँ से एंड से लेके स्टार्टिंग तक। तो ये भी हम अपने गोदाम के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये भी खाली ही है, तो इसको भी ऑनर पूरा मेंटेन करवा के देंगे। अभी मैं इसमें आगे दिखाऊंगा। इसके अंदर पानी का अगर स्टोरेज की बात करें तो वो ऊपर उन्होंने बनवाया हुआ है, 6000 स्टोरेज है अभी पानी का। रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी वो 4000 और भी लगा सकते हैं, बात हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ऑनर जो ऑनर पेरे बिल्डिंग की सप्लाई करता है उसमें 25 किलोवाट अभी है अवेलेबल, बाकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और वो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा देंगे। 3-phase कनेक्शन भी है। हम राइट साइड आपको दिखाएंगे। ये राइट साइड भी गोदान टाइप है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ये भी हम लोग प्रॉपर्टी के बैक साइड चल रहे हैं। ये ड्रेनेज की पाइप है, ये ड्रेनेज का चैम्बर है जो मेन सीवर से कनेक्टेड है। ये भी लैट्रिन बाथरूम है, ये सब लैट्रिन बाथरूम बनाया गया है। देखिए प्रॉपर्टी के बैक साइड का हिस्सा है, तो यहाँ पे छोटे छोटे रूम्स बनाए गए हैं। यहाँ पे जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए ये रूम्स बनाए गए हैं। तो अभी प्रॉपर्टी का सबसे मोस्ट चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है ड्रेनेज। तो अभी हम आपको मेन चीज दिखा देते हैं, सीवर्स। तो ये आप देख सकते हैं अंडरग्राउंड मेन सीवर है, चैम्बर है। तो ये चैम्बर है यहाँ पे पूरा लंबा चौड़ा, तो इन्होंने अपने लिए बनवाया है। और ये चैम्बर मेन म्यूनसिपल सीवर से कनेक्टेड है बाहर से। तो अभी हम बाहर से दिखाएंगे आपको। ये जैसे ये यहाँ पे तो हम लोग